आईटीआई पोर्टल एवं डिजिटल रोजगार मेला कार्यक्रम का आगाज श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता दीप प्रज्वलित कर पलाश रेजिडेंसी में किया। इस मौके पर टाटा कंपनी और अदानी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद रहे और श्रम मंत्रालय और टाटा और अडानी के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत आईटीआई कर रहे छात्रों को रोजगार और ट्रेनिंग का अवसर प्रदान किया जाएगा। आइए सुनते हैं इस मौके पर सत्यानंद भोक्ता ने क्या कहा। आज सभी हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग आईटीआई का पोर्टल का उद्घाटन किए हैं और हमारे बीच टाटा ग्रुप अडानी ग्रुप के साथ हुआ है। इन प्रतिनिधियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देते हैं क्योंकि आईटीआई बेहतर तरीके से चले। अब लोग भली भांति जानते हैं कि 2020 और 2021 कोविड-19 आपदा जैसे संकट स्थिति में हम लोग खासकर श्रम विभाग पूरा देश पूरा प्रदेश अफरा तफरी का माहौल था। राज्य से बहुत श्रमिक हमारे दूसरे राज्यों में काम करने गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं और राज्यवासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कोविड काल में भी सुबह शाम घूमते रहे मॉनिटरिंग करते रहे और ऐसा भय का स्थिति था कि लोग दूसरा से नहीं मिलते थे। रात ही एम्बुलेंस की आवाज आती थी लेकिन उस आपदा में हमारे विभाग के पदाधिकारियों ने बेहतर काम किया। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं धन्यवाद देते हैं। मैम ये आज जो हमने आईटीआई चांडिल के लिए एमओयू साइन किया है ये एक्चुअली तीसरा आईटीआई है झारखंड में जो हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं। इसके पहले हमारे साथ आईटीआई तमार और आईटीआई जगन्नाथपुर पश्चिमी सिंहभूम और रांची डिस्ट्रिक्ट में हम ऑलमोस्ट 4-5 साल से चला रहे हैं उसको एंड दे आर अमंगस्ट द बेस्ट आईटीआई इन द स्टेट राइट नाउ। सो ये एक्चुअली हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है और हमारी जो बच्चे यहाँ से हांगकॉन्ग तक गए हैं प्लेसमेंट्स में वी हैव सम ऑफ द बेस्ट इन क्लास इक्विपमेंट इन दीज आईटीआईज। सो ये बेंचमार्क को देखते हुए जब डिपार्टमेंट से हमने बात किया वी वांट टू टेक ऑन 2-3 मोर आईटीआईज टू क्रिएट सच बेंचमार्क्स। देखिए हमारे आने से जैसा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कुछ वी नो द बिजनेस ऑफ स्किलिंग वेरी वेल ठीक है। सो वी विल गेट इन बेस्ट इन क्लास प्रैक्टिसेस वी विल ट्रीट ईच ऑफ दीज आईटीआईज एज एन इंस्टीट्यूशन। जैसे मंत्री जी आज कह रहे थे यू नो ईच आईटीआई इज एन इंस्टीट्यूशन इट्स लाइक अ कॉलेज इट्स एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गेट इन दैट बेस्ट इन क्लास इक्विपमेंट आएगा। हमारे अपने जो लिंकेजेस हैं झारखंड के अंदर झारखंड के बाहर जैसे मैंने आपको बताया करीबन 21 बच्चे अभी ऑलरेडी हांगकॉन्ग में प्लेस्ड हैं फ्रॉम आईटीआईज इन झारखंड। यू नो दीज स्टोरीज कैन बी रेप्लीकेटेड एंड प्लस हमारी इच्छा है अगर इफ देर एनी कैपेसिटी डेवलपमेंट दैट वी कैन डू अक्रॉस आईटीआईज। जरूरी नहीं है कि यू नो टीचर्स या ट्रेनर्स जो सिर्फ हमारे आईटीआईज में हो इवेंचुअली वी वुड वांट टू गेट इनटू ट्रेनिंग यू नो आईटीआई फैकल्टी ऑल अक्रॉस एंड दैट्स प्रोबब्ली द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी ट्राइंग टू डू। देखिए अगर हम आप शुक्रिया आप जो भी टाटा के बारे में कह रहे हैं पर ये हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस नाम के गरिमा को बरकरार रखना ठीक है। तो इसलिए हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं मुझे औरों को नहीं पता हमारे स्टैंडर्ड्स विल नेवर फॉल बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल और बच्चों में डेफिनेटली नई उमंग हमने देखी है बट दैट पार्ट ऑफ इट इज़ बिकॉज ऑफ द नेम बट पार्ट ऑफ इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस वी मेक इन देयर लाइव्स यू नो एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू अस कि हम लोग उनके ज़िंदगी में क्या फ़र्क आ रहा है यानी कि उनके शख्सियत में क्या फ़र्क आ रहा है उनके कॉन्फिडेंस में क्या फ़र्क आ रहा है एंड फ्रेंकली जब वो आने लगता है द बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली फॉलो यू नो हाउ। अगर मैं आज बच्चे प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूँ इंटरव्यूज़ क्रैक इसलिए हो रही हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस है बच्चों में यू नो और एक सिक्योर वार्म फीलिंग है यू नो एक इंस्टीट्यूट में एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्राइड इन कमिंग फ्रॉम अ सर्टेन आईटीआई। मैं आईटीआई तमार से हूँ मैं आईटीआई चांडिल से हूँ हमें हमारे कॉलेज में एक प्राइड होता है वो प्राइड पैदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ आर पर्पस। बदलाव तो आप थोड़ा देखेंगे तो हमने शुरू कर ही दिया है। वी हैव अ स्किल सेंटर इन गोड्डा जहाँ हमने करीबन 8,000 लोगों को ऑलरेडी ट्रेन किया है एंड वी वांट टू एक्सपांड इट। ऑफ कोर्स झारखंड का यूथ ऐसा है जैसे मंत्री जी ने बताया पोटेंशियल बहुत है और पूरे देश में जाके
मैं तो कहूँगा पूरे दुनिया भर में जाके लोग ये काम करते हैं, इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि अब इंडस्ट्री भी यहाँ आ रही है, यूथ भी यहाँ पर अवेलेबल है, हमारे पास कुछ और प्लान्स भी हैं नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के। तो यहाँ हम जितने लोगों को ट्रेन करेंगे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो रहेगी रहेगी, पूरे देश में उनको नौकरी मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि हम वो किसी जूनियर लेवल की प्रोफाइल पर रह जाए, कुछ अच्छा सुपरवाइजर लेवल का काफ़ी काम करें। थोड़ा सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत है इन लेवल के बच्चों को, तो वो भी हम प्रोवाइड करें। और मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहूँगा कि ये अच्छे से होने वाला है और हमारा यूथ जो है झारखंड का वो पूरे देश में काम करेगा और इंडस्ट्रीज को आगे लेके जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।